आपका आज की वीडियो में स्वागत है। और आज जो वीडियो हम देखने जा रहे हैं वो है एक मूवी का ट्रेलर। और मैं कहूंगी कि काफी दिनों से मैं और मौज भी बात करती कि एकदम से भरमार हो रही है कि हमें टीजर ट्रेलर देखने को मिल रहे हैं। बहुत अच्छी बात है, थिएटर्स खुलेंगे, लोग मूवी देखने जाएंगे, नॉर्मल रूटीन लाइफ वापस आ जाएगी। वेल गाइस, अभी जो हम लोग ट्रेलर देखने जा रहे हैं वो एक तमिल लैंग्वेज में मूवी है और उसका टाइटल है जय भीम। लेकिन ये अभी हिंदी में उसका हम कहेंगे कि ट्रेलर आउट हुआ है और ये एक लीगल ड्रामा फिल्म है। और इसकी अगर डायरेक्शन की बात करें तो मुझे इनके डायरेक्टर का नाम बहुत डिफिकल्ट लग रहा है, नाम टीजे गन्नावल। और इसकी हाँ यही है। और अगर इसके जो है स्टार्टिंग इसकी प्रोडक्शन की बात की जाए तो उसमें सूर्या है, ज्योतिका है और बस यही दोनों है। और स्टार कास्ट में जैसे कि मौजूद ने बताया अभी वैसे कि उन्होंने पहले ही नाम प्रोडक्शन सूर्या हैं और सूर्या बहुत बड़े एक्टर्स हैं, फिर बहुत सारी मूवीज देखी हैं। बिल्कुल। फिर उसके बाद प्रकाश राज हैं, अगर उनकी बात करें ये भी बहुत बड़े एक्टर हैं। और राव रमेश हैं। फिर उसके बाद रजशिका हैं। वेल देख लेते हैं इस मूवी का ट्रेलर, लेकिन इससे पहले इस वीडियो के चैनल का विजुअल लिंक जो आपको हमारी वीडियो की डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें इनके चैनल को। उसके अलावा मैं व्लॉगिंग चैनल का लिंक और इंस्टाग्राम का लिंक भी हमारी वीडियो की डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। तो चलिए देख लेते हैं ये ट्रेलर। नहीं हटेंगे, नहीं हटेंगे, 300 मिनट तक नहीं हटेंगे। लॉ इज अ वेरी पावरफुल वेपन, लेकिन आप इस हथियार से किसे बचाते हैं इससे जरूरी और कुछ नहीं होता। एक तो तेरे पास जमीन का पट्टा नहीं है और ना ही राशन कार्ड है, यहाँ तक कि वोटर लिस्ट में नाम तक नहीं। इनके गलती क्या है इसमें? देश को आजाद हुए 50 साल हो गए लेकिन इनके पास एड्रेस प्रूफ तक नहीं है। कौन सा कानून कहता है कि एक आदमी पर एक ही केस लगाओ, हर बकरे पे दो दो केस ठोक दो। चाहे कितने भी पीड़ित हो, हर एक को इंसाफ के लिए लड़ने का हक है और इस अदालत का फर्ज है कि वो उन्हें इंसाफ दिलाए। राजा कन्ना, मौसम कुट्टी और इरुटप्पन, ये तीनों हैबिचुअल ऑफेंडर्स हैं। जो चोरी हमने नहीं की उसे कबूल है कैसे साहब? कबूल कर। माय लॉर्ड्स, पुलिस ने हर कदम पर कोर्ट से झूठ कहा है। उस जेवर उसने बेचे, उसके हमारे पास एविडेंस है। तीनों फरार हो गए, उसका एविडेंस भी है। चोरों को ट्राइबल बताकर पॉलिटिक्स मत कीजिए। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं कोई गलती कर रहा हूँ। ये केस नहीं एक स्कैंडल है, ये लोकल पुलिस के हाथों में होना ही नहीं चाहिए। इस केस को सीबीआई को सौंप दीजिए। अरे सच क्या है, पुलिस बता इस तो रही है। सच के पीछे न जाने कितने झूठ है। हमें सीबीआई इंक्वायरी चाहिए माय लॉर्ड्स। ये केस तो दिन ब दिन उलझता ही जा रहा है। सीएम तक पहुंचने से पहले इस केस को बंद करना होगा। वैसे भी गुनहगारों का साथ अक्सर कई लोग दिया करते हैं सर, बेगुनाहों का कौन देगा, उन्हें हम ही से उम्मीद है। पल भर में चारों झोपड़ियों को जला दूंगा। हाँ, गणतंत्र को इस देश में बचाने के लिए कभी कभी तानाशाही की जरूरत पड़ती है चंद्रू। कानून तो अंधा है ही, पर अगर आज ये कोर्ट गूंगा भी हो गया तो मुश्किल हो जाएगी। चंद्रू, और 10 दिन में कौन से राज खुल जाएंगे? मैं चाहता हूँ उस मासूम आदिवासी औरत को इंसाफ मिले। कोर्ट इंसाफ नहीं करेगी तो मैं सड़क पर उतरूंगा। सिर्फ कानून ही मेरा हथियार है, दैट्स ऑल। जब बात आती है साउथ इंडस्ट्री की तो वहां पर आपको जो है एक अलग तरह की स्टोरी, एक अलग तरह की स्क्रिप्ट आपको देखने को मिलती है और वो इतनी स्ट्रांग होती है ना कि आप जो है ना दिल करता कि यार आप ये मूवी जरूर देखें। सीरियसली, वो जो स्टोरी है उसका स्क्रिप्ट आपको देखकर आपको लगता है कि आप कनेक्ट हो गए और आपको वाकई में ये मूवी देखनी चाहिए। जैसे हम लोगों ने आज ये ट्रेलर देखा जय भीम का, आई थिंक हम लोगों ने सूर्या जी को बिल्कुल ही एक डिफरेंट हम लोगों ने एक कैरेक्टर में एक डिफरेंट गेटअप में देखा है। और जो परफॉर्मेंस उनकी जो एक्सप्रेशन थे, मतलब एक लॉयर हैं वो इसमें, और जिस तरीके से वो लोगों के राइट्स के लिए बेसिकली 1993 में कुछ ऐसा इंसिडेंट हुआ था कुछ ट्राइब्स में, तो उनको दर्शाया गया है इस मूवी में। लेकिन मैं कहूँगी कि जो इंटेंसिटी दिखाई गई है इन सीन्स में वो वाकई में आपको बहुत ज़्यादा रियलिटी के करीब और दिल को छू लेने वाले लगे। मैं कहता हूँ कि हम जो सुनते हैं ना कि पुलिस की तरफ से एक थर्ड डिग्री जो है वो दी जाती है
जो कैदी होते हैं ताकि वो जो कन्फेस कर सकें वो चीज़ें जो उन्होंने नहीं की होती वो सारी मैं कहता हूँ दिखाई। और बाकी आपके वाली बात कि वो रियलिटी से इतनी ज़्यादा करीब लगती है, वो डायरेक्शन मैं कहता हूँ कमाल की उन्होंने की हुई है कि देखते हुए आपके जो है ना यू नो रोंगटे वो खड़े हो जाते हैं। अच्छा वैसे मैं ऑनेस्टली कल ये एक चीज़ सोच रही थी कि हम लोग बहुत सारे यू नो मैं ये नहीं कहूँगी कि किसी भी इंडस्ट्री में सारी मूवीज अच्छी ही बनती हैं या कहीं पर अच्छी नहीं बनती, कहीं पर स्क्रिप्ट कभी मूवीज का वीक भी होता है, लेकिन मैंने हमेशा देखा जो साउथ से मूवीज आती हैं एक तो उनके आइडियाज और बहुत ही डिफरेंट डिफरेंट चीजों के साथ मतलब वो लोग आते हैं, जो स्टोरीज होती हैं वो इतनी डिफरेंट होती हैं कि समटाइम्स आई रियलाइज के मतलब बाकी इंडस्ट्रीज भी उन पर फोकस कर सकती हैं, बट ये कि वहां पर रीमेक का ज्यादा एक ट्रेंड होता है, लेकिन साउथ की मूवीज में आपको कोई शो ऑफ नहीं मिलेगा, आपको कोई बहुत ज्यादा ग्लैमर नहीं मिलेगा, ऐसे लग रहा होता है कि जो रियलिटी चल रही है चीजें दिखा रहे हैं वो वाकई में जो हम हमारे साथ लोग रहते हैं उनमें से किसी एक ही कहानी है। और जो मतलब जिस तरीके से पुलिस का बीच में दिखाया हुआ है मतलब यहाँ पर भी हम लोग सुनते हैं, यहाँ पर भी लोग पुलिस के पास जाते हुए डरते हैं, बेसिकली कोई मामला हो तो लोग कहते हैं कि भाई आपस में निपटा लो पुलिस के पास जाना है। और जिस तरीके से एक झूठा इल्जाम लगाया गया और उनको फंसाया गया, अब बीच में क्या स्टोरी है वो तो मूवी देखकर पता चलेगी, बट आई थिंक कोई बड़ी गेम लगती है इसमें। बिल्कुल, बाकी एक जो अभी ट्रेलर देखकर रियलाइज हो रहा है ना वो यही चीज आ रही है कि बासर लोग जिन्हें कहा जाता है ना उनकी गेम है कि वो जो है किसी तरह अब इस मामले को दबाना चाह रहे हैं, क्योंकि वो जैसे बीच में जिक्र किया गया केस का जो वो रायता है वो बहुत ज्यादा फैल रहा है, इससे पहले कि सीएम तक बात पहुंचे इसे किसी ना किसी तरह निपटाएं। और नो डाउट हमारे यहाँ पे मोस्टली होता है इसी तरह ही, जो पावरफुल तबका जो है ना वो कहीं ना कहीं गरीब को दबा देता है, बहुत ज्यादा उसे प्रेस कर देता है कि ताकि वो अपने जो एक बेसिक राइट्स हैं बेसिक चीजें हैं उसके लिए बोल ना सके, और गरीब भी जो है वो उसकी कोई सुनता नहीं है कहीं की सुनवाई नहीं होती। एक बड़ा मशहूर मुहावरा है कि कानून जो है वो सिर्फ गरीब के लिए होता है, अमीर के लिए कोई कानून नहीं होता। तो वो चीजें जो है ना अगर हम जो इंडियंस अब मूवीज बन रही हैं खासतौर पर जो पुराने जो हमें देखने को मिलते हैं वाकया जो है उससे काफी ज्यादा आपको पता भी चलता है। वेल मौजम अभी जो बोल रहा था एक मुहावरा में दूसरा वाला लड़का वाह मौजम में जो भी सोती हूँ फौरन से बोल देता है, लेकिन मैं ये बात बोल रही हूँ कि ऐसा भी कहा जाता है कि गरीबी अपने आप में एक बहुत बड़ा जुर्म है, मतलब ऐसा भी यहाँ पर कहा जाता है क्योंकि गरीब की वाकई में कोई सुनता नहीं है, उस तरीके से सुनवाई होती नहीं है, और ये हकीकत है। इवन के बहुत सारे लोग जो है वो इन चक्रों से थोड़ा दूर ही रहना चाहते हैं। और मैं वाकई में डायरेक्शन की बात करूंगी, कमाल की डायरेक्शन है, अमेजोन पर ये इस मूवी को देखने का मौका मिलेगा। लेकिन ये कि आई थिंक थिएटर में भी लगती तो उसमें भी बहुत ज्यादा मजा आता, बट हमारे जैसे लोगों को ये कि फिर देखने को मिल जाती है। सही बात है। मुझे लगता है कि कमाल की डायरेक्शन, कमाल की परफॉर्मेंस, इवन के जितने भी कैरेक्टर्स हम लोगों ने इनमें देखे हैं मुझे लग रहा है कि जबरदस्त हैं और बहुत ही अच्छा रोल प्ले कर रहे हैं। और मैं प्रकाश राज जी की बात करूं वो तो वाकई बहुत पुलिस लुक में वो बहुत अच्छे लग रहे हैं, आई थिंक वो मुझे अच्छे वाले पुलिस ऑफिसर लग रहे हैं। और बोलते हैं ना कि जैसे कि जो थोड़ा सा हेल्प भी करते हैं उस तरह का कैरेक्टर उनका लग रहा है, बाकी मूवी देखेंगे तो पता चलेगा। और एक कोर्ट रूम का हम लोगों को लग रहा है ज्यादातर के हम लोगों को बेसिकली लीगल ड्रामा मूवी है ना, तो डेफिनेटली मुझे लग रहा है ज्यादातर हम लोगों को उसी तरह का देखने को मिलेगा। और यहाँ पर एक बात मैं करना चाहूंगी कि मौजम वाकई में जब स्क्रिप्ट इतने स्ट्रांग होना तो फिर ऐसी स्टोरीज में अगर आपको सिर्फ एक लीड एक्टर ही मिल जाए या एक्ट्रेस हो तो सारी मूवी को लेकर चलता है। बिल्कुल, और यहाँ पे मैं ये कहना चाहूंगा कि जब स्क्रिप्ट इतना स्ट्रांग हो फिर जब उसका रीमेक भी बनता है ना तो फिर उसे जस्टिफाई करना भी बहुत मुश्किल लगता है। और खास तौर पर आपने वो मूवी पहले देखी हो ना तो फिर तो बहुत मुश्किल हो जाता है अनइंटेंशनली। बट ये मैं बात कहूंगी कि स्क्रिप्ट का स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है, क्योंकि आई थिंक वो बहुत सारी चीजें जो मूवी को लेकर ही वो ही चलता है। और म्यूजिक नो डाउट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और बाकी सारी चीजें भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, हर चीज की अपनी वैल्यू होती है। वेल गाइस, ये तो थी हमारी आज की वीडियो, आई होप आपको अच्छी लगी होगी। आपका क्या कहना है इसके बारे में जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में, और आपको मूवी अच्छी लगी ट्रेलर अच्छा लगा जरूर बताइएगा। और इसी के साथ हमें जॉब में वीडियो लाइक सब्सक्राइब शेयर की पसंद। गुड बाय।